Wow, thank you so much. And can we now request our audience to finally see, ladies and gentlemen, a big hand for Shankar, Ehsan, Loy and their group. I have an observation to make about the Queen, which I will in just a little bit. Lekin isse pehle ki hum, thank you. Looking glorious, our Queen as always. Thank you so much. Hello everyone. I really have nothing to say to this, and I want to today say that these are my heroes. Everyone says, oh, you have no hero in the film. I say that's not true. We have a lot of heroes in this film. And to begin with, Prasoon sir, Shankar sir, Ehsan sir, Loya sir, these are the heroes of my film. And Chris, this song has actually a lot of contribution from him. So he's also one of the heroes. And Vijayendra sir, Kamal ji, today he's not here. So to all the heroes, all the kings of the Queen, cheers to them tonight. How wonderful. Kangana, I'd like you to actually stay back on the stage with us for a few minutes. I'd like to now insert the Queen. Well, she could do with her kingdom by her side, right? So Shahrukh, of course, I'd like to invite you on the stage. Shankar sir, Ehsan sir, Loy sir, Prasoon ji, would you please join us back on the stage? Once again, I'd like to request the cast and the crew to kindly come up on the stage as we take questions from our dear friends of the media who've been waiting to see the Queen. Thank you so much, ladies and gentlemen. We have a couple of mics. We'll pass them around. Of course, this is my cue to our wonderful friends of the media. For our raise your hand, and a mic will magically appear next to you. Prasoon ji, aapka gana ek bahut sundar bana hai. Aapne bahut motiyon se, apne shabdon ke motiyon se bahut behad hi acha piroya hai. Aur ek bar fir aap aa rahe hain iske sath. क्या उम्मीदें हैं आपको? इट्स लाइक एन एंथम. जी मुझे इससे पहले इस देश से जुड़े हुए गीत आपने सुने, रंग दे बसंती में काम किया था, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये बिल्कुल अलग अनुभव है. क्योंकि देखिए, एक होता है कि आप कॉन्टेक्चुअल फिल्म की बात करते हैं, तो इस फिल्म के डायलॉग भी मैंने लिखे हैं, तो उस वक्त एक दूसरी अप्रोच होती है. और दूसरी एक चीज़ होती है जिसे ट्रिब्यूट आप कहते हैं. ये एक ट्रिब्यूट है हम सब का. मेरे लिए मूलतः ये फिल्म करने का मूल कारण, उस वक्त मैं बहुत व्यस्त था, लेकिन मूल कारण दो थे. एक तो ये फिल्म, मुझे लगता था पता नहीं क्यों हम रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान चरित्र पर एक फिल्म, हमारे पता नहीं कब एक फिल्म बनी थी, क्यों नहीं बनती है, और ये खबर आई कि एक फिल्म ऐसी बन रही है. और ऊपर से सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं, वो कंगना रनावत उसे प्ले करने की का इरादा पक्का कर चुकी है. तो आई थिंक आई कुंड हैव आस्क्ड फॉर बेटर, बिकॉज हमेशा जो आप अनुभव करते थे, महसूस करते थे, वो हो रहा था. और दिस वॉज अ टाइम फॉर मी टू बी एबल टू राइट एंड थिंक अबाउट. क्योंकि क्या हो गया है कि ये किसने पता नहीं किया है कि देश से जो प्यार है उसको अनुकूल बना दिया किसी ने. कह दिया कि भाई देशभक्ति और ये क्या है, ये तो खास बड़ी बात नहीं है. भाई किसी से भी प्यार हो वो कूल रहना चाहिए, और जब देश से बात आ जाए तो ये सब उठ करके सोचने की जो एक जज्बा है वो कभी नहीं मरना चाहिए. क्योंकि मैं बहुत हर्ट होता हूँ ये बात सोच के कि हमारे यंगस्टर्स एंड ऑल कहते हैं कि मतलब क्या ज़रूरत है. ज़रूरत है, प्यार है तो उसको जताने की भी ज़रूरत है. और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिन से एक हैशटैग शुरू करना चाहता था, देश प्रेम जताओ. और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे, कोई इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, मैं चाहता हूँ कि वो शुरू करूँ मैं, कि देश प्रेम जताओ. आपका कोई भी तरीका हो देश प्रेम जताने का, कविता लिखकर, गीत लिखकर,
पेंटिंग बनाकर, लेकिन बॉस जताना तो पड़ेगा, प्यार है तो दिखाओ यार, तो पहनो, वेयर इट ऑन योर स्लीव्स, यू नो, इश्क और मुश्क छुपे नहीं छुपते कहते वो, छुपाने की क्या जरूरत है, प्यार किया भाई, तो देश प्रेम जताओ का मैं हैशटैग करता हूँ। और मुझे लगता है इस फिल्म के गीत, और मुझे खुशकिस्मती है कि शंकर महादेवन जिनको महादेवन मैं समझता हूँ, क्योंकि सचमुच इनसे अच्छा वॉइस इन गीतों को शायद ही मिलती, और एहसान लॉय जो कि जो साथ में जब भी हम लोग जुड़ते हैं और बात ऐसे निकल जाती है कि पता नहीं लगता कब काम हो गया। सो आई थिंक कमल जी थे इसमें, और बाकी लोगों से मेरा इतना परिचय नहीं हुआ, बात कम आप लोगों के साथ, बट आपने मेरे शब्द बोले हैं, डायलॉग्स बोले हैं, सो आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई एम श्योर दैट पीपल विल रेजोनेट व्हाट हैज़ बीन डन बाय ऑल ऑफ यू हियर, एंड स्पेशली व्हाट कंगना हैज़ डन रिमार्केबली इन दिस फिल्म। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, भक्ति कितनी जागी, और दंडपट्टा और हॉर्स राइडिंग करते वक्त क्या भावना थी आपकी? देखिए, आई थिंक मैं तो जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा जाने माने हैं, और उनके जो जितने भी थॉट्स हैं, जैसे परसून सर के जो शब्द हैं उनसे मुझे तो सीखने को ही बहुत ज़्यादा मिला, और जो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग से नाम दिए गए हैं, चेस्ट थम्पिंग, जिंगोइज़म, ये नेशनलिज़म, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से शेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब हम इस तरह के शब्द हमारे सेट पे यूज़ करते थे तो खड़े होके कहते थे, परसून सर हो या चाहे विजेंद्र सर हो, हाँ तो है, चेस्ट थम्पिंग जिंगोइज़म है, सो व्हाई नॉट, सो हाउ पैशनेट यू आर, दैट्स हाउ योर पैशन इज़ गोइंग टू बी, इट्स जस्ट लाइक परसून सर ने आज इतनी खूबसूरत बात कही कि प्यार कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, उसके लिए कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, और जब ये एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में हो रही है और हर तरह का झंडा लहराया जा रहा है, सतरंगी, पांच रंगी, तीन रंगी, दो रंगी, तो हमारे तिरंगे में क्या बुराई है? सो आई थिंक हम में कहीं भी शर्मिंदा जो भी लोग करना चाहते हैं इसके लिए, वी शुड नॉट फील अशेम्ड, एंड बाकी लाइक आई सेड, यू नो, आई एम अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस वेरी बिग फिल्म, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मैंने हमेशा आज तक छोटी छोटी फिल्मों में काम किया है, दिस इज़ एक्चुअली अ बिग फिल्म, नॉट बिकॉज ऑफ द बजट, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टोरी, इट इज़ अ बिग फिल्म बिकॉज द काइंड ऑफ आर्टिस्ट आई एम गेटिंग टू वर्क विथ, एंड शंकर सर, एहसान सर एंड लोय सर के साथ भी मेरी पहली फिल्म है, एंड ये हमारे जो त्रिदेव हैं इनके साथ भी मुझे जो काम करने का मौका मिला, दे हैव व्हाट दे हैव डन इन दिस फिल्म एंड व्हाट दे हैव डन फॉर द फिल्म, आई डोंट थिंक वर्ड्स कैन एक्सप्लेन, देर आर 7 to 8 सॉन्ग्स इन द फिल्म एंड ईच वन ऑफ देम इज वन बेटर देन द अदर, हमें समझ ही नहीं आया कि किसको लॉन्च किसे करें पहले, बट यू गाइज आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम व्हेन यू गाइज हियर द एल्बम। हाय कंगना, दिस इज सोहेल, कंग्रेचुलेशंस, द सॉन्ग इज वेरी सोलफुल, टचिंग। जाना चाहेंगे, दिग्गज है प्रशून जी और शंकर एहसान लॉय, बट आपका भी एज बीइंग अ डायरेक्टर आपका भी कितना कंट्रीब्यूशन था लाइक म्यूजिक में? वेल, दिस सॉन्ग हैज बीन डन बाय क्रिस व्हेन ही वाज डायरेक्टिंग द फिल्म, देयर आर अदर सॉन्ग्स वेयर आई हैव वर्कड ऑन, जहाँ पे आई विल बी एबल टू टेल यू मोर हाउ आई कंट्रीब्यूटेड एज अ डायरेक्टर, चाहे वो भारत गाना हो या टक टकी हो या राज, यू नो, याद राजा जी, सो देर वर सॉन्ग्स वेयर आई हैव कंट्रीब्यूटेड, बट दिस सॉन्ग क्रिस हैज वर्कड विद देम, सो ऑब्वियसली ही विल बी एबल टू टेल मोर अबाउट इट। शंकर एहसान लॉय, डेफिनेटली कंग्रेचुलेशंस टू यू, प्रशून जी आपको भी, और पेट्रियोटिक हिस्टोरिक फिल्म है, ऐसे में म्यूजिक देना कितना चैलेंजिंग होता है? Well, actually, one has to hit upon the right emotional thread for the film, and that we grabbed it the moment we composed Vijay Bhava, and we knew that kabhi iski music is going to go in a particular direction. And then after that, when Kangana came in, it was a complete change again. It was very beautiful because the kind of things that she brought into the film, a lot of emotional songs and that kind of thing, which really worked beautifully. And we've had a really, I think this is one of, I'd proudly say this is one of our best albums that we've done. You know, and I'm really, really proud to say that. And thanks to all these new singers and all who sung on the album, Siddharth, you know, Shivam, Prajakta and all, they've really done such a good job. You'll see the passion in the music, and, you know, we're very proud of it.